देखते हैं उनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए मेरे चैनल को। और आज मैं नया टाइप का आपका पोंछू का डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए मैंने ये पोंछू बनाया है, इसमें मैंने बीच में मोती डाला ये साइड में। अधिकतर पोंछू में तो डोरी रहता है, पर मैंने डोरी नहीं डाला। ये मैं पिंक कलर का ऊन लिया। एक पोंछू बनाने में कम से कम 300 ग्राम ऊन लग जाएगा। और ये क्रूस है, ये और ये मैंने कुछ मोती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये पोंछू को डिज़ाइन का पोंछू बना रही हूँ। देखिए ये मैंने 141 यानी कि 141 चेन लिए हैं और इसमें 141 यानी 141 इसमें डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये बनाइए और इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिए हैं। अब इसमें आपको डिज़ाइन बताएंगे कि कैसे बनता है। तो पहले तो यहाँ पे 4 चेन लेना है, ये 4 चेन लेके 4 चेन लेके अब इसमें 2 बार धागा ऐसे ऐसे घुमाएंगे क्रूस में, उसमें डाल के फिर एक बार निकालें, फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 2 इसको पूरा क्रोशिया को धागे से उतारना नहीं है, बस जैसे ये एक बार निकालें क्रोशिया से, फिर ये 2 बार, ठीक है। जब ये 4 ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद इसको क्या करेंगे, पहले 3 बार को तो एक धागा को एक साथ निकालें, फिर ये बचे हुए 2 को एक बार में, फिर यहाँ 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसमें भी ट्रिपल क्रोशिया के लिए इसी में जिससे पहला बार बनाए हैं जिस चेन में उसी चेन में एक और 4 एक बार निकालें, ये 2 बार, फिर ये ट्रिपल क्रोशिया का तो एक बार निकालें, ये 2 बार, फिर उसी तरह ये एक बार निकालेंगे चेन से, फिर ये दूसरा बार, तो ये 3 हो गया ट्रिपल क्रोशिया, ये 4th मेरा, एक बार निकालें फिर क्रोशिया से ये 2 बार। ये जो 5 फंदा है इसमें से 4 फंदा को तो एक साथ हम निकालेंगे और ये 5वां फंदा को फिर बाद में, फिर 4 चेन लेंगे, 2 3 4 नहीं यहाँ 5 आप चेन लीजिए, क्योंकि ये बीच का गैप जो दूरी होगा ना एक बराबर हो, थोड़ा सा मतलब टाइट नहीं हो रहा, देखने में भी अच्छा लगे, तो हम 1 2 3 4 चेन छोड़ के ये 5वां वाला में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार निकालें, ये 2 बार, ये 3, ये 4। अब ये 4 को एक साथ, फिर ये लास्ट वाला को एक साथ, फिर यहाँ 5 चेन लेंगे, 2 3 4 ये 5, फिर ट्रिपल क्रोशिया इसी चेन में जहाँ मैंने पहले स्टार्ट किया था उसी में, ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, फिर ये 4 को एक साथ, फिर बचा हुआ 2 को एक साथ। तो देखिए मेरा ये फ्लावर इस तरह से बनेगा। तो ये रो को हमको पूरा इसी तरह यहाँ से कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करते हैं इस रो को, 1 चेन 2 चेन 3 4, फिर ट्रिपल क्रोशिया यहीं बनाएंगे हम, 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3, ये 4, तो ये मेरा लास्ट बन रहा है। फिर इसमें 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, फिर इसी में ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये फ्लावर बनने से बहुत सुंदर लगता है। ये मेरा 4 बन गया, इसमें 1 2 3 4 5। अब इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे, स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5, फिर यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम इसको सेंटर मानेंगे और जैसे
ट्रायंगल बनाते हैं ना, तो दोनों साइड हमको निशान लगा लेना है कि कहाँ से हमको डिवाइड करना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 चेन हो गया। फिर अब इसमें देखिए, ये हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें ये जो 20 सेंटर है इसको काउंट कर लीजिएगा कितना फूल है, और दोनों साइड को ये 20 सेंटर मान लीजिएगा। तो एक इधर का सेंटर, एक इधर का सेंटर, और जब सेंटर में है तो यहाँ एक फूल बलम बनाए हैं, यहाँ फिर 5 चेन लेंगे, 4, 5, फिर ट्रिपल क्रोशे इसी में बनाएंगे। ये 4 हो, फिर यहाँ 5 है, फिर ट्रिपल क्रोशे इसी में, क्योंकि यहीं से डिवाइड होगा हमारा और आगे बढ़ते जाएगा पोंचो, क्योंकि पोंचो की लंबाई और चौड़ाई यहीं से बढ़ेगी। जितना आप चौड़ा रखना चाहते हो उतना हिसाब से। ये जो फूल बना, फिर दूसरा ये राउंड जब कंप्लीट करेंगे, ये सेंटर पे आके यहाँ पे फिर इसी तरह का 2 फ्लावर बनाना, फिर यहीं से फिर हम थर्ड लाइन में यहीं से फिर 2 फ्लावर बनाएंगे, फिर ये ऐसे से बढ़ते जाए। तो ये हम इधर सेंटर तक इसको बना के लाते हैं। ये मेरा इस तरह से, ये हम सेंटर पे आ रहे हैं, चेन, तो ये ट्रिपल क्रोशे, दो, तीन, ये 4, 4 को एक साथ और 2 को फिर एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मेरा सेंटर आ गया। तो हम एक 141 घर चेन लिए हैं और 141 ये मेरा डबल क्रोशिया बना, तो टोटल मेरा यहाँ पे 11 दोनों साइड में ये फ्लावर बना है, और 2 मतलब ये यानी कि 12 दोनों 24 तो बना है, जिसमें से 2 हम ले लिए सेंटर के लिए, और दोनों साइड में हमको 11 फ्लावर बना है। तो ये मेरा सेंटर हो गया। यहाँ हम 4 बनाएंगे, ये मेरा एक बना, फिर 1, 3, 4, 5 चेन, फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे, एक फ्लावर बना, फिर 5 चेन, 2, 3, 4, 5 चेन लिए, फिर यहाँ एक और हम ट्रिपल क्रोशिया का ये फ्लावर बनाएंगे। ये एक कली हुआ है, 2, ये 3 ट्रिपल क्रोशिया, ये 4, फिर मैंने चारों धागा को एक साथ कर दिया, फिर ये बचा हुआ 2 को एक साथ, फिर यहाँ 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर हम यहाँ एक और। तो इस जैसे ये तरह यहाँ पे हम ये 2 जोड़ी बनाएंगे, जो ये कॉर्नर ये सेंटर में बनेगा, जो आगे चल के ये पोंछू को ट्रायंगल शेप देगा। देखिए ये है, तो इस तरह से बना ये जो लुपी है। फिर हम ये राउंड जब कंप्लीट करके आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये सेंटर पे, तो फिर यहाँ पे आते हैं तो बताते हैं, फिर इसी तरह से ही बढ़ते जाते हैं। तो ये रो हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं।
चार, ये पाँच, फाइव चेन लेके फिर इसमें ट्रिपल क्रोशिया का ये फ्लावर। ये होने के बाद इसको ज्वाइंट करेंगे, ये हो गया फिर पांच चेन हो गया। इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर इसे एक और चेन से स्लिप स्टिच से यहाँ जोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पे हम चार चेन लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह का ट्रिपल क्रोशे का फ्लावर लेंगे। ये मिडिल में हम बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो एक दो या तीन दो फ्लावर बना है, ये बीच में जो चेन है, यहाँ भी फ्लावर बनेगा, यहाँ भी फ्लावर बनेगा, यहाँ भी फ्लावर, तभी फिर ये आगे में बाइफर्केट होते जाएगा और बढ़ते जाएंगे। देखिए हम बना के बताते हैं, ये पांच चेन हो गया, फिर यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशिया, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और आपके परेशानियों का भी हल जरूर निकाल देंगे। पांच चेन हो गया, फिर ये मिडिल वाले में भी ट्रिपल क्रोशिया बनेगा, फिर इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा हर लाइन में, जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा में, और हर इस जगह पे ये मिडिल में आके, तो इसी तरह से ये नया फ्लावर इधर से कॉर्नर से ये निकलते जाएगा और मिडिल में ये फ्लावर बढ़ते जाएगा। इसी तरह से पूंछू ट्रायंगल शेप ले लेगा। किसी भी तरह का परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये हो गया, फिर पांच चेन, दो तीन चार पांच, फिर ये वाला में फिर पांच चेन, फिर इधर इसी तरह वो उधर साइड भी वो मिडिल में बनेंगे और ये बढ़ते जाएगा। तो आपको इसी तरह बनाना, देखिए यहाँ बन गया, फिर पांच चेन, दो तीन चार, फाइव चेन लिए, फिर ये वाला है तीन, ये चार, ये फिर एक साथ, फिर दो बचे। देखिए ये जो है ये इसी तरह से इधर तिरछा होते जाएगा, यहीं से ये बढ़ते जाएगा। तो इसको हम इसी तरह बनाते हैं, इस कंप्लीट करते हैं इसी तरह, आगे भी बना के आपको बताते। हम तो एक बात बताना भूल गए, ये जो मिडिल जहाँ से हम सेंटर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट राउंड में एक फ्लावर से ये दो फ्लावर बना, फिर यहाँ पे तीन, फिर यहाँ पे मिडिल वाला लेके यहाँ दो, फिर ये तीन, इस लाइन को एकदम हम लोग को ध्यान देना है कि एक बार में दो फ्लावर बनेगा, फिर तीन, फिर मिडिल वाला फ्लावर लेके इसमें दो, फिर तीन, ये ध्यान देना। अब इसको हम लास्ट यहाँ पे कर दिया, अब हम इसमें ना 10 चेन लेंगे, ठीक है, झालर बनाने के लिए। देखिए ये मैंने 10 चेन लिए हैं, दस चेन लिए, यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया। okay, ये ऐसे झालर बनाने, अब इसको 10-10 चेन का रेशियो रख सकते हैं आप, 15 चेन का भी रेशियो रख सकते हैं, जैसा आपका मन। तो देखिए फिर इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट करें, तो इस तरह से ऐसे झालर बना। आप चाहे तो इसमें ना बीच में झालर में बीच में फ्लावर भी बना सकते, क्या कीजिए इस उंगली में ऐसे दो तीन राउंड उनको लपेट लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए ये मैंने ऐसे दो तीन बार उनको ऐसे लपेटा, ठीक है,
और फिर स्क्रूज को घुसा के यहाँ से धागा लेके, देखिए हम कैसे बनाए ऐसे करके, फिर इसको इसको ऐसे कर, फिर इसमें हाफ चेन, हाफ डबल क्रोशिया इस बिना चेन के इस तरह से बना लिए। ये इस तरह से झालर में नीचे लटका हुआ बहुत सुंदर लगता है। आप इसमें बीच में एक मोती भी डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें मोती डालने सोची हूँ। देखिए इस टाइप से यहाँ पे बन गया, ये देखने में बहुत सुंदर लगा, और बीच में एक मोती। तो आइए मैं बताती हूँ, इस तरह से पूरे में झालर बना लीजिए और मोती डालना। इसका मोती लिए, ये मैंने सुधा है, तो यहाँ से यहाँ पे मिडिल में हम यहाँ मोती डालेंगे। ये मोती आसानी से सुई में चला भी जाता है। इस सुई से ऐसे निकालना है आपको इसके अंदर से, कि आपका धागा पता ही नहीं चलेगा कि आपका धागा ऊन कहाँ जाए, देखें है ना। फिर इसको इस तरह से मिडिल में इस तरह से, फिर इसको ऐसे ये फ्लावर के अंदर से ही आप ऐसे अंदर से घुसा के डालिएगा, तो आपका आपका पता ही नहीं चलेगा। अच्छा लग रहा है, आप इसके यहाँ पे भी डाल सकते हैं, जहाँ मन आपको अपना फ्लावर मोती डाल सकते। तो ये मैंने ऐसे मोती रखा, और इसमें जैसे ये हम राउंड इस तरह से झालर बनाए, तो इसके अंदर से आप इस टाइप से मोती लगा सकते। और इसको फिर इधर से ऐसे निकाल दीजिए। ये देखने में बहुत सुंदर लगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।